देहरादून में कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे संबंधित संपत्ति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी एजेंसी का चयन होगा। ये अहम फैसले लिए गए। खनन से जुड़े मामलों पर शासन की जगह निदेशालय पर फैसला होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर आज चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से मौजूद रहने की अपील की है। सदन में विपक्ष भी सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा को तैयार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधायकों से सदन में मौजूद रहने की अपील की है। विपक्ष भी सतत विकास पर चर्चा को तैयार है। तो उत्तराखंड के समग्र विकास के लक्ष्य के लिए सतत विकास पर आज चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी सदस्यों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। रवि केंद्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और राज्य के सतत विकास पर यह चर्चा है, किस वक्त यह चर्चा शुरू होगी और विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा इसके लिए? जी देखिए कौशल, क्योंकि जो सत्र का आहूत किया गया था वो 27 तारीख तक किया गया था, लेकिन जो 28 अगस्त जो कि आज का दिन है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने पीट के सभी सदस्यों से पूर्ण भागीदारी की बात की है, चर्चा में शामिल होने की बात की है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्तराखंड के विकास को लेकर है। इसमें करीब 17 लक्ष्य रखे गए हैं जिन लक्ष्यों पर विचार किया जाना है, चर्चा की जानी है। और उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार इस तरीके का एक दिन का ये जो सत्र बढ़ाया गया है, इस तरीके का पहली बार आहूत किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के विधायकों को भी रहने की अपील की है। तो आज विपक्ष और जो पक्ष है दोनों ही विधायक जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये एक तरीके से उसी तरीके जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन कोई प्रश्नकाल शून्यकाल कुछ नहीं होगा क्योंकि विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है। लेकिन जो आज का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड के सतत विकास को लेकर है। विपक्ष इसमें मौजूद रहेगा, हालांकि विपक्ष ने भी कल ये कहा था कि हम मौजूद रहेंगे, लेकिन मुद्दा उत्तराखंड के विकास का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ही उत्तराखंड के सतत विकास, कुछ संकल्प किस तरीके से उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से इसके जो तमाम जो लक्ष्य है उनको पूरा किया जाना है, और साथ मिलकर पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर उत्तराखंड के विकास में किस तरीके की भागीदारी निभा सकता है, उसी को लेकर एक चर्चा है। और इसकी वजह से एक दिन का जो आज सत्र है वो और रखा गया है। तो आज जो सत्र की समाप्ति थी वो 27 तारीख को होनी थी, लेकिन आज का जो एक दिन का जो सत्र रखा गया है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरीके की चर्चा है उत्तराखंड के विकास पर। और ये भी कोशिश की जाएगी कि विपक्ष आज किसी तरीके का कोई हंगामा न करे, बल्कि सत्ता से जो भी बातचीत है उनकी बातचीत करे, उस पर चर्चा करे, और इसके साथ ही जो विपक्ष भी अपनी बातों को रखे उसको भी सत्ता पक्ष जो है ध्यानपूर्वक सुने और कई चीजों पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके साथ ही संभावना ये भी है कि आज भी उत्तराखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका ये अहम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। उत्तराखंड के विकास के लिए सदन में सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा होगी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी सदस्यों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। 17 लक्ष्यों में से 16 बिंदुओं पर चर्चा होगी और चर्चा से जो भी सुझाव आएंगे उनकी रिपोर्ट लोकसभा भेजी जाएगी और आने वाली सरकार के लिए ये सुझाव प्रदेश के विकास का खाका तैयार करेंगे।